दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल पे में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हो कि कैसे गूगल पे में अकाउंट बनाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे गूगल पे में अकाउंट बनाते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कैसे आपको गूगल पे में अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर में जाके गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। गूगल पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर डालने का। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। जैसे यहाँ पे मेरा जो मोबाइल नंबर मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे फिर से एक बार नेक्स्ट कर देना है। दोबारा से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे ऑटोमेटिक या रिडायरेक्ट कर लेगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वो मोबाइल नंबर, वो सिम आपको इसी फ़ोन में डाल के रखना है, तभी आप गूगल पे में अकाउंट बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट भी कर लिया है। ऑटोमेटिक ओटीपी रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, यूज योर स्क्रीन लॉक, और दूसरा ऑप्शन होगा क्रिएट गूगल पिन, यानी कि आप कौन सा पिन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं या पिन लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पिन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पिन पे क्लिक करके और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पिन सेट करने का। आप जो भी अपना पिन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना पिन सेट कर रहा हूँ। पिन सेट करने के बाद ये आपका गूगल पे में अकाउंट बन चुका है। अभी आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड बैंक अकाउंट। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उसी बैंक के नाम पर क्लिक करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। जैसे यहाँ पे मेरा SBI बैंक में है, तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक कर रहा हूँ। बैंक के नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो कौन सी सिम है, यानी कि आपके फ़ोन में दो सिम पड़ी हुई हैं, आपकी कौन सी सिम आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उसी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी सिम से आपके बैंक में एक SMS जाएगा, उसी से आपका वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मेरा एक ही सिम पड़ी हुई है, मेरे सिम में जो मेरे बैंक अकाउंट में रजिस्टर है वही सिम एक ही पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मेरे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर वही सिम सेलेक्ट करना है जो सिम आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। तो वहाँ पर सिम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके बैंक में एक SMS जाएगा, उस SMS का आपका चार्ज भी लगेगा। यहाँ पे देखिए मेरा चार्ज भी लगा है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये तीनों ऑप्शन वेरीफाई कर लेगा। तीनों ऑप्शन वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डोंट नाउ योर UPI पिन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से UPI पिन बना रखा है अपने इस बैंक का, तो आपको यहाँ पे इंटर UPI पिन पे क्लिक करना है। अगर आपने नहीं बना रखा पहले से ही, तो आपको यहाँ पे डोंट नाउ योर UPI पिन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ATM कार्ड की कुछ डिटेल मांगेगा। आपको यहाँ पे अपने ATM कार्ड का जो नंबर होता है उसमें के लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं अपने ATM कार्ड के जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ATM कार्ड के लास्ट के 6 नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है। यहाँ पे देखिए मैं एक्सपायरी डेट भी डाल देता हूँ। एक्सपायरी डेट डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऊपर एरो का निशान आ जाएगा। आपको यहाँ पे एरो के निशान पे क्लिक कर देना है। एरो के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना UPI पिन बना लेना है। दोस्तों, यही UPI पिन आपको अपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते समय ये UPI पिन मांगेगा। जब तक आप ये UPI पिन नहीं डालेंगे वहाँ पे, तब तक आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये UPI पिन बना लेना है। आपको यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्लैक कर रखा हूँ। आपको यहाँ पे मैं अपना UPI पिन नहीं दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे अपना UPI पिन बना लेना है। UPI पिन बनाने के बाद ये आपका बैंक अकाउंट आपके गूगल पे अकाउंट से ऐड हो चुका है। अब आप किसी को भी पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ